संतु कहाँ हो तुम? तुम्हारे चक्कर में 3 चाय पी चुके हैं, जल्दी आओ। पुष्पा जी का यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। हाँ बदनाम भाई, मुझे तो लगता था पुष्पा जी कुछ दिन थाना आएंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे। सही बोले। अरे हमको तो जिम जाना है। हम भी करेंगे, हम भी। चलो पुष्पा जी, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। वैसे तो तजुर्बे में आप हमसे कई गुना ज्यादा है, फिर भी एक बात कहीं पड़ी थी, आपको बताना चाहते हैं। हमारे साथ जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो दरअसल होता सिर्फ 10% है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं इस पे 90% चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए फिजूल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है टेररिस्ट अटैक के बारे में, उसका सिक्योरिटी एक बार फिर से चेक करना है, आप कर देंगी? जी मैडम सर। बताइए, पहले यहाँ पे थाना हुआ करता था, अब तो जिम हो गया ही। वाओ, एक दिन जिम करेंगे, बॉडी फिर बॉडी इतनी चेंज होगी कि चीटे ने मुझे पहचान नहीं। चीटे, आई एम द बिल्लू द स्पाय, और ये अपना ही थाना है। ये थाना ही है तो जिम खाना क्यों बना दिया इसको? अरे चीटे, दिन भर बैठे बैठे बदन अखड़ जाता है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। स्वस्थ इंडिया कर रही, तू भी कर मतलब? अरे पुलिस थाना है ये, समझे ना, यहाँ पे सिर्फ पुलिस वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी बिल्ला बिल्ली सड़क छाप एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सड़क छाप? चीटे, तूने एक ही झटके में हम सबको पराया बना दिया। अरे इस थाने को मैंने कभी अपना थाना नहीं समझा, अपना ठिकाना समझा, हर जिंदगी जीने का बहाना समझा, और तूने एक ही झटके में हम सबको पराया समझा। मैंने बिल्लू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे, मतलब हम अपने दिल की बात बता रहे हैं यहाँ सबको, हमने आज तक इस थाने की पुलिस को कभी पुलिस नहीं समझा। अच्छा, तो क्या समझा, अपनी तरह बिरयानी वाला की सब्जी वाला? अरे अरे यार, इसके कहने का मतलब हमने परिवार समझा। हाँ? एक टीम, आई एम इंडियन एंड ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। लेकिन यार तुमने आज नाराज फूफा वाली हरकत करके हमारा दिल तोड़ दिया। बाबा, हमने इस थाने के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दिए? क्या किया? अबे चपड़ गंजू खा बॉस, बची हुई चाय इनको फ्री में पिलाई हमने। ठीक है भाई भाई, सॉरी यार, हमको ना ऐसा लगा कि हम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिए, हमको यहाँ पर आकर तुम लोग को इसे बोलना नहीं चाहिए, सीधा लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। निकलो यार बाहर। अरे प्रोटोकॉल होता है, सिर्फ यहाँ पर पुलिस वाले ही जिम कर सकते हैं, बाहर निकलो यहाँ से। उतरो उतरो, चलो चलो यार, कहीं और जाके जिम करते। कहाँ जा, ए अभी बाइक इसका लेकर जाओ, उसको बाहर लेकर जाओ। ए तुम्हारा थाना है तुम देखो। हाँ तुम्हारा थाना, तुम मतलब तुम लोग को नहीं पता कि ये बाइक किसका है? नहीं, तुम लोग में से किसी का नहीं है? नहीं, लवारिस बैग है, लवारिस बैग में तो बॉम्ब भी हो सकता है। बॉम्ब? हम बॉम्ब है तो फटेगा। अरे फटेगा, अरे मैं अकेला क्यों मरूं? तुम मुझे छोड़। अरे हमने क्या किया फिर? मैं क्यों मरूं? अरे तो 3-4 हो तो मरो। बिल्लू 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 यार, बिल्ले यार, खोल ले यार बैग, खोल भाई। मैं क्यों खोलूं? तुम पुलिस वाले, तुम खोलो। बिल्लू 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 यार, हम खोल दे यार, लेकिन सोचो अगर बम फट गया तो फिर सोचो संतोष जी का क्या होगा यार। संतोष जी को जब पता चलेगा तुम इतने बड़े डरपोक पुलिस वाले हो तब क्या होगा सोचो। मर्द बनो, खोलो। मर्द बनो मर्द, अगर मर्द हो तो बैग खोलो चुपचाप, वरना भाग जाओ। बिल्कुल सही कहा बच्चन साहब ने, मर्द हो तो बैग खोलो, नहीं यहाँ से नौ दो क्या? एक मिनट, मर्दानगी की बात है तो हम ही खोलेंगे। जा रहा? अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, भाई भाई भाई, एक मिनट। हाँ बजरंग बली,
सीधे बम उठा के भाग जा, नहीं तो मेरा बिल्लू निवास उड़ जाएगा। मैं तुझे बिल्लू निवास की पड़ी सोच सोच महिला पुलिस थाने का क्या होगा। हमें इसको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। हमें तुम पुलिस वाले हो, तुम निकालो। तो ठीक है, हम निकलते हैं। जब बजरंगबली रक्षा करना। क्या शोर मचा रहे हो ये? मैडम सर भाग जाइए, बम है मैडम सर, भाग जाइए। भागिए मैडम सर। कहाँ मिला? वहाँ पे बैग में रखा हुआ था, आतंकवादियों ने बम प्लान किया था। मैडम सर भागिए, ये बम नकली है। क्या पुलिस वाला ये? बाहर शूटिंग वालों को जगह कम पड़ रही थी तो हमने कहा यहाँ रखवा दो। ठीक है, चलो जिम करते। अरे यहाँ नहीं लेके जा रहे, चलो चल रहे, हमारी तो हो भी गई। चीता, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सतर्क हो, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन ले लेना। अभी एक मिनट में यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो जाता तो। जी मैडम सर। ध्यान रहे। आइए सर, आइए आइए। ओह हेलो अगेन, तो तू यहां काम करती है? वेरी गुड। मैंने सुना उस दिन मुझसे मिलने के बाद तुम काफी फेमस हो गई हो। ओह, समझ में आया कि तुम लोगों के दिमाग में इतनी गर्मी क्यों है। यहाँ कुछ गर्मी नहीं है ज्यादा। सर आपके लिए सीनियर ऑफिसर के कैबिन में एसी ऑन करवा दूं, आप वहाँ बैठ जाइए। एसी नहीं है वहाँ। What? पूरे थाने में एक एसी नहीं है? और इन लोगों का एटीट्यूड देखो, आसमान को छू रहा है। वाओ। ये थाना एसी के लिए नहीं। बदतमीज लोगों की ऐसी तैसी करने के लिए है, और अगर एसी होता भी तो भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये थाना है, वेटिंग रूम नहीं है, समझिए। सर मैं वैनिटी का इंतजाम करके आता हूं, जब तक आप बेइज्जती इंजॉय कीजिए। पुष्पा जी बैठिए, बैठिए। इस बार आपको माफी हसीना मैडम ने, इस बार आपको माफी हम दिलवाएंगे। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। देखो हम ना तुमको साफ साफ रास्ता दिखा रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये बात यहीं खत्म हो जाए तो चुपचाप पुष्पा जी से माफी मांग लो, क्योंकि तुमने सिर्फ पुष्पा जी का नहीं वर्दी का भी अपमान किया है। वरना वो हाल करेंगे ना तुम्हारा कि जिंदगी भर एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। लाइन, वंडरफुल लाइन, बहुत अच्छी लाइन है, इसे मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में यूज करूंगा। थैंक यू। इससे माफी मांगू मैं? कॉल योर सीनियर नाउ। ओके, अपने सीनियर को बुलाओ। फरमाइए। तो आप हैं इंचार्ज यहाँ की? जी। दो बातें हैं, या तो आप अपने जूनियर्स को समझा दीजिए कि किसी की इज्जत कैसे की जाती है, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा आपके पूरे थाने को कि किसी की इज्जत कैसे की जाती है। हमारे हिसाब से करिश्मा सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा। आपको पुष्पा जी से माफी मांगनी चाहिए, और जहां तक बात है सीनियर्स की, बिल्कुल कीजिए फोन। हाँ, अगर नंबर मिलने में कोई दिक्कत हो तो हमसे मांग लीजिएगा। हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप माफी मांगने से छोटे हो जाएंगे। और आपने एक महिला की और इस वर्दी की बेइज्जती करके जो गलती की है उसे सुधारना तो पड़ेगा। गलती मैंने, गलती तुम करे जो इस कॉन्स्टेबल के लिए मुझसे पंगा ले रही हो तुम।
सॉरी वॉरी छोड़ो, इसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से फेमस हो गई है। तुम्हारी मैया की सासू मैया। करिश्मा सिंह, और वैसे भी तुम लोगों की इज्जत क्या है यार, कुछ नहीं। अहंकार ने रावण जैसे ज्ञानी का भी नाश कर दिया था, फिर तुम तो एक मामूली से इंसान हो। मंगा लिए सर वैनिटी। मेरी वैनिटी आ गई, सुना आप लोगों ने, तो आपका ये सड़ा हुआ थाना आप लोगों को मुबारक। अम्मा का बोले तुम, हाँ कमिश्नर साहब 15 अगस्त, हाँ मुझे याद है। हाँ हाँ कमिश्नर साहब, मैं कैसे भूल जाऊंगा, वैसे भी पुलिस का कोई प्रोग्राम मेरे बिना होता भी कहाँ है। और आप तो जानते हैं आई लव माई पुलिस। इतना बदतमीज आदमी है ना ये, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। संतोष जी एक बार हुक्म कीजिए, मैं उसका खून पी जाऊंगा। आप बोलकर देखिए, इस थाने के लिए जान हाजिर है। ये अजय कुमार का जुगाड़ तो फिट करना पड़ेगा अब संतोष जी। अरे अरे तुम क्या करो, हाँ पतला मटका ऊपर रखना, हीरो का पंच लगते ही मटका फूट जाना चाहिए, हाँ समझे। अरे तुम यार, मिल गया जुगाड़ संतोष जी। क्या क्या बातें हो रही है, इन कपड़ों में क्या कर रहे हो बिल्लू? शूटिंग, ये देखो लकड़ी की गोली, ये धोती, ये साफा और ये बंदूक। अरे वो क्या हुआ, मैं अपने सिग्नेचर स्टाइल में वॉक किए जा रहा था तो डायरेक्टर की नजर ये डैशिंग पर्सनालिटी पे पड़ी और वो डायरेक्टली मेरे पैरों में आके गिरे और गिड़गिड़ाए, सर 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 निकला सिंकल, सर 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 आप मेरे पिक्चर में एक एक रोल करो नहीं तो मैं पिक्चर बंद कर दूंगा। कोमल हृदय मनुष्य, मैं मान गया। सर 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 मुझे अपने पिक्चर में ले लो, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा? चलेगा सर। और डाकू का रोल है? चलेगा सर। ठीक है चलो आओ। डाकू डाकू बिल्लू छोड़ो इनको, तो तुम सनी अपना प्लान बताओ। हाँ सुनो, ओके 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 ओके। तुम कहाँ जा रहे हो, अभी टेक कर रहे हैं। ये बंदूक मुझसे बड़ी है ना तो छोटी लेके आता हूँ। नहीं 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 चलेगी चलेगी, चलेगी। हाँ, हाँ, आपको सीन समझा दूँ, आप डाकू को पंच मारने जाओगे और डाकू हट जाएगा और पंच मटके को लगेगा और मटका फूट जाएगा। ओके लेकिन एक काम करते हैं, लाइन को पंच से पहले लेते हैं। अरे वाह सुपर सुपर आइडिया, चलो टेक करते हैं। चलो रेडी रेडी रेडी। हाँ सर आप रेडी हो? हाँ हाँ चलो, रोल कैमरा क्लैप। बर्दी की ताकत सीन नंबर 15 शॉट नंबर 1 And action! तुम जैसे लोगों ने पुलिस को खिलौना समझा हुआ है ना, आज दिखाता हूं इस वर्दी की कितनी ताकत है। तूने दिखाई मुझे उंगली और मैं बना जंगली। सेटिंग में ये कैसा मटका रखा है आपने यहाँ पे? नहीं नहीं सर, हमने तो पतले ही मटके ऑर्डर किए थे लेकिन पता नहीं क्यों, आप थोड़ा और जोर से मारिए ना। पतले मटके आप तोड़ के दिखाइए, इन मटकों को कोई नहीं तोड़ सकता, आई बैट।
देखा 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 फूट गया ना, हम कह रहे ना सर आप में दम ही नहीं बचा कुछ है। तुम समझते हो कि इस वर्दी का इज्जत तुम्हारी वजह से है। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस वर्दी का कि आज तुम बाल बाल बच गए हो। अगर आज हम ये वर्दी नहीं पहने होते ना तो इस मटके की जगह तुम्हारा सर होता। नकली वर्दी में नकली एक्शन करते हो ना, अगर इस वर्दी का आज के बाद अपमान किया ना तो असली वर्दी का असली एक्शन दिखाएंगे तुमको, समझिए। आप सही कह रही हैं। आई एम सॉरी, मुझे वर्दी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और मैं आज के बाद बोलूंगा भी नहीं, लेकिन मुझे इस वर्दी की रियल पावर भी देखनी। इनफैक्ट मुझे क्या, मेरी पूरी ऑडियंस को देखनी, सबको देखना है। मतलब ये कि अगर आपको एतराज ना हो तो मेरी इस फिल्म में एक एक्शन सीन कर दीजिए। यू नो, नकली वर्दी में असली एक्शन आप अगर करेंगे तो मुझे भी आपके दाव पेज सीखने को मिलेंगे ना। मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा और मैं फिर वही चीजें अपनी एक्टिंग में डाल दूंगा ना, परफॉर्मेंस थोड़ी सी रियल हो जाएगी। असली वर्दी में नकली एक्शन? हाँ एग्जैक्टली, ताकि मेरा भी नकली वर्दी में असली एक्शन ही लगे। प्लीज मैडम, अगर ये आप करती हो तो हमारी फिल्म और भी रियल और ऑथेंटिक लगेगी। आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तो आज हम तुमको ट्रेलर दिखाई देते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि असली पुलिस का चीज होती है, और आगे से तुम बदतमीजी करोगे ना तो 100 बार सोचोगे कि कहीं किसी पुलिस से पाला ना पड़ जाए। थैंक यू। असली एक्शन तो अब होगा। इस पुलिस वाले से फाइट असली करनी है, सबको एक एक लाख दूंगा। जी सर। सर तो दोस्तों, आप हमें सब इंस्पेक्टर करिश्मा ये दिखाएंगे कि पुलिस वाले असली फाइट कैसे करते हैं। और हां, फाइट खत्म होने से पहले सीन कट नहीं होगा एंड कोई बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मैम आप रेडी? ओके, रोल कैमरा एंड एक्शन।
रोको ही नहीं। एक सेकंड, मैंने आपसे कहा था बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्लीज प्लीज। जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते। इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता।